अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बस यहीं पर से और ऐसे ही। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन में खुशियां और सुख शांति से भर दे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का स्पेशल ब्लॉग होने वाला है नवरात्रि स्पेशल कलश यात्रा, और हम जा रहे हैं कलश यात्रा में। तो हमको देर हो गई, कलश यात्रा यहाँ पर तक आ गई। मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे स्कूल से आई और यहाँ रोड तक आ गई और हमने कर दी देर। देखो ये दीदी लोगों ने की देर सबसे ज़्यादा। ये हमारे गली के लेट लतीफ लोग और विवेकानंद का बैंड आगे थे, तो अब वहीं पर जाते हैं फिर बनाएंगे वीडियो। कलश यात्रा का जो जल होता है उसे नंगे पैर ले जाया जाता है, जो मेन पूजा में बैठता है 9 दिन तक। और जो ये कलश है इसका पानी सरयू मैया का उद्गम स्थल जो सहस्त्र धारा है स्वर्णमूल, वहाँ से लाया जाता है। हिंदू रीति के अनुसार जब भी कोई पूजा होती है तब मंगल कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। बड़े अनुष्ठान यज्ञ आदि में सभी महिलाएं बड़ी संख्या में मंगल कलश को लेकर शोभा यात्रा निकालती हैं और माँ दुर्गा की पूजा, अन्य देवी देवताओं की पूजा में शामिल होती हैं। इस झंडे का भी विशेष महत्व रहता है। जब दुर्गा पूजा के लिए जल यात्रा निकलती है, सहस्त्र धारा से जल लाया जाता है कलश यात्रा के लिए, तो इस झंडे को साथ लेके जल यात्रा पैदल निकलती है और दुर्गा पूजा लास्ट दिन तक ये झंडा मंदिर में रहता है। यहाँ पे 9 दिन तक धूनी जलती है, तो उसकी सुबह शाम परिक्रमा की जाती है और आरती की जाती है। यहाँ पर नवरात्रि के लास्ट दिन हवन किया जाता है और पहले दिन इसकी पूजा की जाती है। जो मंदिर है वो मंदिर का कार्य संपन्न हो रहा है।
साथ कोई आगे में बाधाएं होने का यहाँ पे मैम की फोटो शूट करते हैं। मूर्तियों की पूजा होगी और पाठ होगा, तो अब सब घर जाने लगे और हम भी चलते हैं घर को। थोड़ी सी यहाँ पे भी सुनसानी हो गई और जो पानी लाए थे उसे चारों तरफ डालना है केले के पेड़ में और चारों तरफ मंदिर के कोने में, तो ये डाल रहे हैं दीदी लोग और इंदु। मैं भी अपना पानी उसको डाल के ले जाऊँगी और थोड़ा पानी यहाँ थोड़ा मंदिर के चारों तरफ डालना है। अब और यहाँ से ही चप्पल पहन के चलते हैं और यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना मस्त आया है। और एक पूजा यहाँ पे होती है नाग देवता की, नाग भी बना रखे हैं और ये चल रहे हैं हमारे आगे से और यहाँ बनेगा खाना, भंडारा होगा शाम को। ये मूर्ति वाले भैया देखे होंगे, अब निकलते भी रहे यहाँ पहने का बात लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पर। उठो इनको भी यहीं पर चढ़ा जाते हैं स्कूल के मैम लोग और यहाँ पे ब्लॉगर चलो आप आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी रोड बन जाएगी, पिछले कितने सालों से ऐसी है। अभी हम आ गए हैं घर को, ये चल दिया आगे से ऊपर चाची को चाय की डिमांड और ये हमारे पावलिया हाउस और पीछे से कौन कौन दिखाया, ये मैं बुआ जी और पीछे से मामा जी। वहाँ जाते समय तो नहीं रखा बुआ ने कलर, घर आते समय रख तो सही हो रहा है, घर आते समय भी चलो थोड़ा। और ये लूसी क्या कर रही है, तो फिलहाल आए गए हैं हम आगे हम अपनी गली में, चाची को चाय की डिमांड हो रही है, चाय भी नहीं बना रहे हैं। दीदी चलती अंदर, गर्म हो गया है काफ़ी, तो मैं भी चलती हूँ इसको मंदिर में रखती हूँ कलर को, तो कपड़े चेंज करते हैं फिर चलते हैं दुकान में।
11 हो गया है और अब आई हूँ मैं घर में और कपड़े ऐसे फेंक रखे ना मैंने सारा सामान, तो थोड़ा सा गर्म हो गया है, फ़ैन ऑन कर रखा है। जल्दीबाजी में ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसी की क्योंकि हमको देर हो गई थी जाते जाते, कभी किसी का कुछ नहीं हो रहा, कभी किसी का कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसी देर हो गई थी। तो आधे रास्ते ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही, अच्छा हुआ क्लास में पानी घर से ही भर के ले गए थे, और नहीं तो वहाँ पे स्कूल है जो मेन क्लास होता है बड़ा घड़ा होता है जो, उसका पानी ऊपर सौधरा से लाते हैं, जो सरयू बहती है मूल सरयू सरमून वहाँ से उसका पानी आता है, तो वो पानी लास्ट दिन सभी श्रद्धालुओं में छिड़का जाता है जब नवरात्रि ख़त्म हो जाती है, तो वो पानी वहाँ पे स्कूल में रखा जाता है, हिम सरयू विद्या बाल विद्या मंदिर, और तो उसी के बगल में जो सरयू नदी है बाकी लोग वहाँ से पानी भर के लाते। तो ठीक ही रहा कलश यात्रा, और मैं वीडियो बहुत ज़्यादा भी नहीं बना पाई और बहुत अच्छी भी नहीं बना पाई क्योंकि क्लास भी था और हाथ में फ़ोन भी था, तो सभी काम एक साथ नहीं हो पा रहा था, तो जितना बना उतना काफ़ी है। तो उम्मीद है कि मंदिर की मूर्तियाँ दिख गई जो कल की वीडियो में नहीं दिख पाई थी, अधूरी काम चल रही थी उनमें, तो वो दिखा दी थी मैंने। बाकी अभी सुबह शाम भजन कीर्तन होते हैं, रात तक कीर्तन होते हैं, भंडारा होता है, तो वो अभी आके तक आपको नवरात्रियों के 9 दिन आपको शेयर किया जाएगा जितना पॉसिबल हो पाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, और फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे, मतलब आपकी झोली आपका घर परिवार सुख शांति से भरा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। आरती जयमा हे दरबार।